हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के और कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए, फटाफट आ जाएंगे सभी। हेलो एंड वेलकम। मुझे बता दो कौन ये आ गया, कैसे करना होगा। चलो चलिए आ जाएंगे फटाफट, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार क्लास में। और क्या है हाल चाल आप सभी के। प्रणाम सर, खुश रहिए खुश रहिए। और धाकड़ तरीके से एक बार सर क्या क्लास को सर क्या शेयर कर देंगे मेरे दोस्तों के बीच। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मैं लाइव हूँ क्या, और मैं लाइव हूँ क्या। चलो आ जाओ, क्या मैं लाइव आ चला हूँ आप सभी के बीच। एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हे ड्यूड, अच्छा, हे ड्यूड चल रहा है तुम्हारा। हेलो, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतरीन की तलाश में आप आ चुके हो टेक्स्ट बुक बिहार परिवार पे, और जहाँ पे हम धाकड़ से धाकड़ सवालों को एकदम यूं उड़ाएंगे, धुआं करेंगे। तो चलो आ जाओ सारे। हेलो एंड वेलकम। हे डूड, हेलो सर, हेलो 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 राहुल राज, हेलो आरती जी, आरती जी का स्वागत है। आर्ट्स एंड थर्माकोल डिज़ाइन, सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आज की धाकड़ से धाकड़ क्लास में सभी का स्वागत है। और देखो क्या सीखने वाले हैं आज हम। चलो आ जाओ देखो दोस्त, क्या सर जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर क्या आपके साइंस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, और उसमें सर क्या पहला क्वेश्चन निकल के आता है आप सभी का क्या। तो पहला क्वेश्चन आज सर पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं रिमोट ढूंढ लूँ। रिमोट है ना, कहाँ गया हमारा रिमोट। हाजी हाजी, हाँ ही रहा ही रहा। आज देखो दोस्त क्या कहता है, दोस्त कहता है कि ऑटोमोबाइल, देखो दोस्त क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे और पढ़ते ही सर क्या इसके सवालों का जवाब देने का चालू कर देंगे हम। और देखो पहला सवाल क्या कहता है, कहता है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। कौन सी है भैया, कौन सी वो गैस है बताओ जरा, जिससे सर क्या जिससे ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह गैस कौन सी है जरा मुझे बताओ। बहुत ही बढ़िया, रचिता रॉय, रूपनपुर, तन एन शर्मा जी, आर्ट्स एंड थर्माकोल डिजाइन, सभी का सवाल का जवाब बिल्कुल 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 सही आ रहा है। अभिषेक कुमार, अवधेश सिंह, बहुत ही बढ़िया दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी कमेंट कर रहे हो। और आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट द आंसर, द आंसर विल बी द कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सभी के सभी जानते हो कि सर क्या। तो देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब भी आपका क्या होगा, जब भी याद रखोगे, जब भी आपका सर क्या, जब भी आप किसी फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर दोगे, कोई भी फ्यूल है, कोई सा भी फ्यूल है, अगर आप फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करते हो और फ्यूल के कम्प्लीटली बर्न होने से याद रखोगे उससे क्या निकलेगा, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि क्या करती है, जो कि याद रखोगे मेरे दोस्त क्या करेगी, जो कि गैस आपके दम को घोटने का कार्य करेगी, जिसे दम घोटू गैस कहते हैं। और याद रखोगे कि यह आपके हेमोग्लोबिन में, यह आपके ब्लड में इजिली डिजॉल्व होती है, इजिली मिक्सअप हो जाएगी, यह जो आपकी गैस है याद रखोगे इसके बारे में सभी के सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। भाई वाह, क्या आसान सा सवाल और क्या बढ़िया सवाल है। और कहता है ये सवाल कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। बहुत ही बढ़िया आरती मिश्रा एन शर्मा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड कह रही है गुड़िया, गुड़िया कह रही है सर सल्फ्यूरिक एसिड। और आज जो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है सर सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जो आपका जवाब जो बच्चे ने दिया है, बच्चे ने दिया है सर क्या सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बिल्कुल 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 ही सही है। और इसे कहा जाएगा द एच टू एस ओ फोर। बहुत ही बढ़िया, द सल्फ्यूरिक एसिड द H2SO4। और इसके बारे में आप सभी याद रखोगे यह क्या है, तो इसे कहते हैं द ऑयल ऑफ विट्रियोल। बहुत ही बढ़िया, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हो। इसे किसके नाम से जानेंगे, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानेंगे। और याद रखोगे इसी सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, तो इसी सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त आप सभी को याद होगा कि इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। और अगर शीशे के संचयन वाली सेल है, तो इसमें जो रसायन प्रयोग होगा, क्या मेरे लाडलो, तो मेरे लाडलो जो यहाँ पर रसायन जो केमिकल प्रयोग होगा लेड स्टोरेज बैटरीज में, वह कौन सा केमिकल होता है, तो मेरे दोस्त याद रखोगे वह लेड प्रकार का होता है। तो याद रखोगे लेड स्टोरेज बैटरी में लेड का ही प्रयोग करते हैं। और वहीं पे दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान दिया जाए, तो HCl के बारे में बात करेंगे, तो HCl क्या, यह एक ऐसा एसिड है जो कि हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में होता है, और स्टमक में होने के साथ 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 क्या करता है दोस्त, याद रखोगे यह पाचन की प्रक्रिया में हेल्प करता है, फूड को एसिडिक बनाए
बनाएगा, फूड को कैसे सड़ने नहीं देगा, और साथ ही साथ हमारे जो भोजन का पीएच मान है उसे भी मेंटेन करने का कार्य करेगा। और यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के रूप में जाना जाता है, याद रखोगे। बहुत बढ़िया। किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि क्या है? देखो मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या कहता है कि कोई भी गैस है और गैस को द्रव्य में बदलना है तो किस पर, इसमें से कौन सी वो विधि है जिस विधि के द्वारा आप किसी भी गैस को द्रव्य में चेंज करोगे? जरा मेरे लाड लो, जरा मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नीतू शर्मा बिटिया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। प्रतिभा राज, बहुत ही बढ़िया गुड़िया, वेरी गुड। अमित कुमार डाइजेशन, इस सवाल का जवाब देंगे लाड लो, क्या कह रहा है इस सवाल का जवाब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। इस सवाल के जवाब अभी तक किसी का नहीं आया, क्या है भाई, क्या जवाब नहीं आ रहा है क्या आपको? अजी सवाल टफ पड़ रहा है क्या मेरे भाई, बताना जरा। काजल, काजल कह रहे हैं क्या, काजल कह रहे हैं, और फिर से गुड़िया का जवाब आ रहा है, गुड़िया कह रही है। एन शर्मा ए कह रही है, अमित कुमार लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। याद रखोगे कि सर देखो जब भी आपके क्या, देखो मेरे दोस्त जब भी अगर मैं बात करूं, याद रखोगे अगर जब भी बात की जाए किसके बारे में, जब भी बात की जाएगी किसी भी किसको, तो किसी भी गैस को किस में चेंज करना, तो अगर लिक्विड में चेंज करना है, किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना है, जैसे अगर बात कर लीजिए द LPG, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वहां पे ब्यूटीन और प्रोपेन गैस होती है, और याद रखोगे उनकी फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, तो उन्हें क्या सर, उन्हें कम तापमान पर, वहां पे टेम्परेचर को कम रख दोगे और जो प्रेशर है प्रेशर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को कम करने पर और प्रेशर को बढ़ाने से, याद रखोगे मेरे दोस्त क्या कहता है कि जब भी आप टेम्परेचर को कम करोगे और प्रेशर को बढ़ा दोगे तो वह एक आइडियल इक्वेशन मानी जाती है। कैसी इक्वेशन मानी जाएगी? आइडियल इक्वेशन। और आइडियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर सभी नॉर्मल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह कार्य करेंगी। दैट इज व्हाट, दैट इज PB इक्वल टू NRT, याद रखोगे सारे के सारे। तो कम तापमान और उच्च दाब पर यह प्रक्रिया देखी जाती है, सारे इस बात को याद रखोगे। अमरेंद्र कुमार बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रवि कुमार बढ़िया, शानदार शानदार। नेक्स्ट आ जाओ, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? कह रहा है ना मेरे दोस्त कह रहा है ना कि देखो जो मोटर वाहन है ना, अगर उनमें अपूर्ण दहन के कारण जो प्रदूषण होता है उसका कारण क्या है? CO2 और SO2 का बनना, केवल SO2 का बनना, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, जरा मुझे बताओ। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आरती मिश्रा ए कह रही है, एन शर्मा डी कह रही है, गलत है एन शर्मा जी का जवाब, गुड़िया आपका गलत आ रहा है इस बार, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखो जब भी आप मोटर वाहनों की बात करो, देखो जब भी आप सरकार, जब भी आप व्हीकल्स की बात करोगे, और व्हीकल से दो ही प्रकार की गैस निकलती है, सॉरी दो ही प्रकार के सर क्या, तो प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट निकलते हैं। अगर कोई भी ईंधन है, कोई भी फ्यूल है, समझना ना दोस्त समझना ना दोस्त समझना कि अगर कोई भी फ्यूल है ना दोस्त, क्या है, अगर कोई भी फ्यूल है और किसी फ्यूल को अगर पार्शियली बर्न किया गया है, अगर कोई फ्यूल पार्शियली बर्न हो रहा है, तो याद रखोगे वो क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बना देगा। और अगर कोई फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। इस बात को आप याद रखोगे, तो CO2 याद रखोगे सर, क्या याद रखोगे कि CO2 और CO का बनना याद रखोगे सारे के सारे। और देखो SO2 कभी भी ताज का खतरा नहीं है। खतरा क्या होता है कि देखो जब SO2 वाटर के साथ मिलता है, SO2 तो मौजूद है, लेकिन जैसे SO2 वाटर के साथ मिलेगा तो वह H2SO4 को बना देगा, और जैसे वो H2SO4 को बनाएगा, याद रखोगे वह क्या सर, वो एसिड रेन हो जाएगी, जिससे वो संगमरमर की क्वालिटी गिरती जाएगी। लेकिन हाँ, वहां पर ऐसा नहीं होगा, याद रखना है कुछ बातें। क्या होता है हमारी जिंदगी, कुछ किस्से वहां से जुड़े हुए, अच्छा थोड़ी गुड़िया आप क्या ही कहा जाए। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? सर देखो क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? बहुत बढ़िया। सर आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं शो कर रही है, मैं प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, काहे परेशान हो, काहे थाक रहे हो, हम अभी जिंदा हैं दोस्त, अभी सब हो जाएगा, आ जाओ। बढ़िया 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 बढ़िया। सर सर छोड़ दिए क्या? हाँ लाडले छोड़ दिए हम, है ना, कि छोड़ आए वो गलियां जहां पर टैलेंट की कदर नहीं है ना। आ जाओ कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो याद रखोगे सर वह कौन सा है, वो है आपका RBC। देखो RBC क्या कहता है सर, देखो RBC में क्या होता है, द रेड ब्लड सेल्स, जिसकी खोज स्वेटर्डम और मेलफिंगी ने की, इसका नाम होता है RBC, स्वेटर्डम और मेलफिंगी नाम के साहब द्वारा इसकी खोज की गई। अब RBC के अंदर होता है क्या, तो RBC के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, हेमो
ग्लोबिन, हेमामालिनी नहीं सर, हेमोग्लोबिन। और ये जब हेमोग्लोबिन, याद रखोगे, ऑक्सीजन से मिलेगा, O2 से मिलेगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा HbO2 की, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की, याद रखोगे, और वो हो जाएगा RBC, याद रखोगे RBC द रेड ब्लड सेल्स, उसे कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। और यह क्या सर, यह ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देगा और यह ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर घूमता रहेगा, और इसीलिए RBC को ऑक्सीजन कैरियर का भी काम नाम कहते हैं। देखो जो रक्त प्लाज्मा है, ये ब्लड का सर क्या 55-60% वाला हिस्सा होता है, ये रक्त का सबसे ज्यादा भाग है और रक्त को तरलता प्रदान करने का कार्य करता है। जो रक्त आपका लिक्विड फॉर्म में मौजूद है वो किस वजह से है, रक्त प्लाज्मा की वजह से है। WBC याद रखोगे, यह क्या सर, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, और यह आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और थ्रोम्बोसाइट के बारे में अगर बात कर ली जाए, मैं रिलाड लूं, तो देखो जो थ्रोम्बोसाइट है ये क्या करता है, तो यह आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स को बनाएगा, और ये प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोसाइट जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होगा, और वह रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करेगा। इस बात को आप सारे याद रखोगे। बहुत ही शानदार, गुड इवनिंग गगन पासवान, बड़े दिनों बाद मेरे दोस्त काजल, हेमोग्लोबिन बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, जरा मुझे बताओ कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। देखो हम उनमें से नहीं है, एक बात याद रखना कि हम उनमें से नहीं है जो किए गए किसी के कर्मों को यूं ही भूल जाए, हम उनमें से नहीं है। अगर हम तुम्हारे पास नहीं, तो इसका यह मतलब है कि तुम्हें, कि हमें तुम्हारी कोई एहसास नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई बात नहीं कि तुमने अपना लिया ना सब, बढ़िया तो है। चलो आ जाओ, मुन्नी कुमारी गगन पासवान, प्रतिभा राज, अभिषेक रंजन, थर्माकोल। याद रखना दोस्त, इस जमाने में ना कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी, एवरीथिंग इज अ टेम्पररी, परमानेंट कुछ भी नहीं है। और जिसको तुम परमानेंट मान के चलोगे ना, वो तो वो दिन दिखाएगा कि आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, याद रखोगे कि प्रकाश संश्लेषण आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट, देखो जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्त, होता क्या है, तो यह आपके लवक वाला हिस्सा है। लवक याद रखोगे कि लवक सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से सर, पहला होगा द क्रोमोप्लास्ट, द ल्यूकोप्लास्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का अंतिम हिस्सा होता है द क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, तो इस क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। और कैसे होगा प्रकाश संश्लेषण, तो पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि सर क्या करते हैं। सर याद रखोगे कि सर क्या 6CO2 मिलेगा किससे, तो मिलेगा 12H2O से, गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 को बना देगा। और याद रखोगे इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और ये किस में होगा, तो याद रखोगे ये क्लोरोप्लास्ट में होगा। वहीं पर अगर दूसरे ऑप्शन को देखा जाए, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। केंद्रक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। और जो क्रोमोप्लास्ट है, याद रखो कि जो क्रोमोप्लास्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि यह प्लांट्स के कलर के लिए सर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि फूलों का रंग, आपने देखा होगा फलों का रंग, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि टिटनेस के रोग के इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो टिटनेस होता है, टिटनेस को और किस नाम से जानते हैं, जरा मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, सर सबको उतना ही प्यार मिले जितना वो डिजर्व करता है, बदले में चीट नहीं। हर किसी की परिभाषा चीट की अलग अलग होती है बेटा, या हर किसी के चीट की परिभाषा ना बिल्कुल अलग अलग होती है, याद रखना इस बात को। कि माना, कैसे कहते हैं कि माना कि हम फरिश्ते नहीं, कि माना कि हम फरिश्ते नहीं, तो गैर याद रखना तुमने भी कम जुल्म थोड़ी ढाए हैं, है ना। देखो टिटनेस को इस नाम से भी जानते हैं, याद रखो जो टिटनेस है, टिटनेस को लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। देखो जो लॉक जॉ है दोस्त, याद रखोगे इसे क्या, इसे और हिंदी में अगर बात की, इसे धनुष्कार कहते हैं, धनुष्कार।
ये क्या सर? ये है एक रोग टेटनेस। जो टेटनेस किससे होता है मेरे भाई, तो आप सभी को पता होगा, यह होता है बैसिलस टिटैनी। याद रखोगे लाडलो, लाडलो याद रखोगे, एक होता है सर क्या, बैसिलस, बैसिलस टिटैनी, बैसिलस टिटैनी, बैसिलस टिटैनी। देखो जो बैसिलस टिटैनी है सर क्या, ये क्या है सर, यह एक बैक्टीरिया है जो टिटनेस को करता है, और जिससे सर क्या, और इसी टिटनेस को लॉक जॉ या धनुषकार रोग कहते हैं। क्योंकि देखो जो शरीर की जो मांसपेशियां होते हैं, मसल्स होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर और बात की जाए सर किसके बारे में, लॉक जॉ के बारे में, थोड़ा सा डेप्थ में अगर और जाया जाए, तो याद रखो कि इसको सही करने के लिए एक इंजेक्शन लगता है ATS का, और एक इंजेक्शन लगता है DPT का। एक इंजेक्शन लगता है ATS का, एक इंजेक्शन लगता है किसका, DPT का, याद रखोगे ठीक है। आ जाओ, है ना, बढ़िया बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत शानदार। नेक्स्ट कहता है कि मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। दोस्त देखो जो मक्खी का लार्वा है उसे क्या कहते हैं, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ कि एक पल में कहते ना कि एक पल ने कह दिया, एक पल में उसने कह दिया वो तुमसे ज्यादा केयर करता है मेरी, तुमसे ज्यादा प्यार करता है मेरी, अरे मेरे इतना अजमा तो लो, है ना, मेरे इतना अजमा तो लो, मेरे इतना नखरे, जितना मुझे नखरे दिखाते थे एक बार उसे तो दिखा लो, जितना मुझसे लड़ जाया करते थे उतना उससे भी लड़ जा लो, और जितना छोड़ो ना। कि मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, प्यूपा मैगोट इमैगो टैडपोल। याद रखोगे कि मक्खी के लार्वा को मेरे दोस्त याद रखोगे इसे कहते हैं मैगोट, मैगोट याद रखोगे। जो मैगोट है ये क्या होता है सर, ये होता है मक्खी का लार्वा। जो प्यूपा होता है किसका लार्वा होता है मेरे दोस्त, तो याद रखोगे जो प्यूपा है ये क्या, ये रेशम के कीड़े का लार्वा होता है, किसका, तो मेरे दोस्त याद रखोगे यह क्या, तो यह रेशम के कीड़े के लार्वा को, रेशम के कीड़े के लार्वा को कहते हैं ये। और टैडपोल किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं मेढक के लार्वा को, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं। इमैगो मुझे याद नहीं है। और सर क्या, और जो कैटरपिलर होता है वो क्या होता है, वो तितली का लार्वा होता है, याद रखोगे उसे कहते हैं कैटरपिलर। नेक्स्ट आ जाओ, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। आसान सा सवाल है, बनाकर दिखाओ कि यदि हम भूमध्य रेखा से, कोई इक्वेटर होता है जैसे मान लो ये कह सके ये रहा पृथ्वी और ये रहा इसका पोल्स और ये रही इसके इक्वेटर, तो यदि आप इक्वेटर से कहाँ पे पोल्स पे अगर मूव करोगे तो क्या होगा सर, तो बताओ जी का मान क्या होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी के मान पर सर क्या होता है। सर आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हो, जिस एग्जाम में साइंस आती है मैं उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। 1111111 इंक्रीजेस रिमेन सेम। पागल वागल हो गया, पागल वागल हो गया। भूमध्य रेखा पर याद रखोगे जो जी का मान है, जी का मान याद रखोगे मेरे दोस्त कि जी का मान जो होता है यह इक्वेटर पर मिनिमम होता है। इक्वेटर पर क्या होता है, जो जी का मान होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। जबकि यही जी का मान अगर कहाँ जाएगा दोस्त, तो अगर यही जी का मान अगर पोल्स पर जाएगा याद रखोगे वह क्या हो जाएगा, तो वह मैक्सिमम हो जाएगा। याद रखोगे तो ये क्या करेगा, तो इट विल इंक्रीजेस। जब भी हम भूमध्य रेखा से कहाँ पे जाते हैं तो कहाँ पे पोल्स जाते हैं, स्मॉल जी बोला है ना कि कैपिटल जी बोला है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट फॉर द ग्रेविटेशन। कि सर क्या, ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल जी होता है। जबकि स्मॉल जी क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट वैरी करता है। इस बारे में आप सारे याद रखोगे ठीक है सर। आप यहाँ हम आपको, आप सबको खोज पर खोज रहे हैं। अरे तुम हमें दिल से ढूंढो, हम तुम्हारे अंदर ही बसे हैं। देखो हम उनमें से नहीं कि तुम हमसे किसी चीज़ की उम्मीद रखो। हम उनमें से हैं कि हम तुम में बसते हैं। कभी ना मेरे बच्चों, देखो तुमसे एक बात कहूँगा कि कभी मुझे ढूंढ कर देखना। मैं तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। मैं तुमसे जुड़ा इंसान हूँ, मैं तुम में रहता हूँ, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। मुझे खुद में ढूंढो, मुझे इधर उधर ढूंढने से मतलब नहीं। मैं मिला ना मिला तुम्हें, ये तो बात अलग है, अलग बात होगी ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझे सच में पाना चाहते हो तो तुम मुझे खुद के अंदर ढूंढो। देखो हर किसी के अंदर ना बसा हूं मैं, हर किसी के अंदर, हर किसी की तलाश हूं मैं। याद रखना इस बात को कि दुनिया ना कहते हैं कि देखो मैं वो जिंदगी जीता हूँ जिससे आप, जो आप जीते हो, तो मैं आप में बसता हूँ। मैं आप ही तो हूँ, मैं तुमसे अलग थोड़ी हूँ, है ना। और जब मैं ही खंड खंड हूँ तो मुझे किस बात का घमंड होगा, बताओ। तुम्हें तो देखो, मैं तुमसे बना हूँ, मैं तुम में मिटूंगा, मैं तुमसे जुड़ा हूँ, मैं तुम में ही रह जाऊंगा, मैं तो खुद एक खंड खंड हूँ, मुझे किस बात का घमंड होगा, सोचो ना। लव यू बच्चों। देखो तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा। सिंपल सा सवाल है सर कि देखो जब तापमान
एक टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए अगर बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो बताओ सर वो पदार्थ क्या है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मेरे को लग रहा है मैं जाकिर खान को देख रही देखो दोस्त क्या होता है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सर याद रखोगे NaCl, द NaCl, द सोडियम क्लोराइड। देखो जो सोडियम क्लोराइड है, जब तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करना हो, मेरे दोस्त मेरे लाडलो, याद रखोगे कि जब भी क्या, जब भी कोई तापमान है, कोई टेम्परेचर है और उसको 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाए, और अगर बर्फ में अगर आप मिलाओगे तो उसका क्या होगा, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। दोस्तों देखो ना कि आपने आइसक्रीम खाई होगी, हाँ हम सभी खाते हैं, आपने भी दरबदर आइसक्रीम खाई होगी, तो जब आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का जो टिप होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है, वो क्या, वो नमकीन लगता है। वाई, क्योंकि जब इसे उस खांच में भरते हैं जहां पे इसके आकार को रखते हैं, तो वहां पे नमक मिलाया जाता है, जिससे ये जो आइसक्रीम हो ये दूसरे की अपेक्षा में देर से पिघले। देखो जिन बच्चों को सर क्या सोन, देखो जिन बच्चों ने सर क्या कभी देखा होगा किसी को पैक बनाते हुए और उसमें जो बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, वो जो आइस क्यूब की जो आइस होती है वो टेस्ट में सॉल्टी लगती है इन कंपैरिजन टू जो आइस हम अपने घरों में जमाते हैं। तो वो जो आइस क्यूब वाली आइस है वो देर से पिघलती है हमारे घर में रखे वाले आंसर क्या रखे हुए क्या आइस की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उस आइस में सॉल्ट मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, याद रखोगे सारे के सारे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, याद रखोगे कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अनुत्क्रमणीय या अपचयन। जरा मुझे बताओ क्या होगा मेरे दोस्त, जरा 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 मुझे बताओ यह क्या होगा। सर क्या कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, द SO2 है, इसको SO3 में चेंज करना है। जब इसको SO2 से SO3 में चेंज करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सर क्या देखो, इसके बॉन्ड और इसके बॉन्ड में क्या आएगा, तो चेंजेस आएगा। यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सर देखो ये क्या होगा, ये SO2 हो जाएगा, जबकि ये SO ये SO3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, SO3 हो जाएगा। अब जब आप इससे इस फॉर्म में चेंज करोगे तो यहां से क्या करोगे, आप यहां पे बॉन्ड एनर्जी को वीक करोगे। जब बॉन्ड एनर्जी को आप वीक करोगे तो यहां से क्या होगा, तो यहां से जो हीट होगी, जो ऊष्मा होगी, वो क्या होगी, वो निकलेगी, वो क्षेपित होगी, वो निकलेगी, वो रिलीज होगी, और इसे क्या कहा जाएगा, तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यह कैसी प्रक्रिया होगी, तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होगी। देखे ना किसका किसका सही है। एन शर्मा ऊष्मा शोषी कह रही है, गलत हो गुड़िया, आप यहाँ पे याद रखोगे गुड़िया कि गुड़िया यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी होगा बिटिया, याद रखोगे। नेक्स्ट परमितो दास गुप्ता ए एंड ओ, नहीं नहीं अपू शर्मा, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो शर्करा में शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निर्माण निम्नलिखित है कि सर देखो जब भी शर्करा के शोधन में आप प्रयोग करोगे सर क्या व्यंजक का, सर कौन सा व्यंजक सर उसमें प्रयोग होता है, बताओ है ना। ठीक है मान लिया कि तुम आगे बढ़ गए हो, ठीक है मान लिया तुमने सब कुछ आजमा लिया, ठीक है मान लिया कि सब कुछ तुम्हारा अपना है, कि ठीक है मान लिया हम उनमें नहीं जिसको तुम अपना कह सको, तो क्या होगा, जब तक थे तुम्हारे तो थे ना, आज ठीक है मान लिया। अच्छा देखो क्या कहता है कि शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्नलिखित है। सर क्या देखो जब भी शर्करा के शोधन के बारे में बात करें, रिफाइनिंग ऑफ शुगर, तो रिफाइनिंग ऑफ शुगर में किसका प्रयोग करते हैं, तो बोन ब्लैक का यूज करते हैं। देखो जो बोन ब्लैक है, याद रखोगे क्या सर, इसका प्रयोग हमेशा शर्करा के शोधन में करते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो जब भी आप तैलीय पेंटिंग, जब भी ऑयल पेंटिंग होती है, उस ऑयल पेंटिंग को सर क्या विजुलाइज करने के लिए, या उस ऑयल पेंटिंग को सर क्या देखने लायक बनाने के लिए, याद रखोगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सो द आंसर विल बी बोन ब्लैक, बोन ब्लैक, याद रखोगे। ठीक है, क्लोरीन जल का प्रयोग सर क्या वाटर के क्लीनिंग के लिए करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के तो बहुत सारे यूज हैं, आप कितने ही बताए जाएं, बताओ ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूल से बनाया जाता है। हशीश किसे कहते हैं, बताओ सर हशीश किसे कहते हैं, तो हशीश नामक ड्रग एक ड्रग है जो कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूल से बनाया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, जब यहाँ पे ड्रग आ गया ना
तो ये क्वेश्चन सर क्या बहुत ज्यादा आसान हो गया अपने ऑप्शंस को लेके। तो अब इनके ऑप्शन से आप इन्हें तुरंत बना दोगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होते, जैसे मैं यहाँ पे रखते सर क्या, यहाँ पे मैं रख देता सर क्या, यहाँ पे मैं रख देता क्या द सोमनीफेरम पैपिवेरम, ये रख लेता, या ऐसे कुछ मैं आपके तीन चार ऑप्शन रख लेता, तो आप इसको सर क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। लेकिन यहाँ पर हेम्प, भांग आप सर क्या याद रखोगे, भांग से हशीश नामक ड्रग बनाया जाता है, याद रखोगे। अब इसमें कोई तुलसी टिक नहीं कर देगा, बड़ी मार मारूंगा। एंड शर्मा याद आया अफीम। चलो नेक्स्ट आ जाओ कि माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। देखो ना मेरे दोस्त, देखो ना मेरे लाडले, कि देखो जो माचिस की तीली होती है इसका काला भाग मूलतः बना होता है। और दोस्तों ने आज क्या सर, आज फिर से दोस्तों ने कहर मचाया है कि भाई क्या पुराना जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वॉचिंग का वो तोड़कर 51 पर जा चुके हैं। आ जाओ बढ़िया, देखो ना दोस्त क्या कह रहा है कि माचिस की तीली का काला भाग किसका बना होता है। तो याद रखोगे कि माचिस की तीली का काला भाग जो होता है वो रेड फॉस्फोरस का बना होता है, और वो घर्षण पर रिएक्ट करता है जिससे वहां पर आग लगने की प्रक्रिया आप देख पाते हो सारे के सारे। कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है सर, क्या द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। सर जीवाणु कैसा जीव है पहले ये जानना होगा, और जैसे हम वो जान गए हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं। देखो अगर मैं जीवाणु के बारे में बात करूं तो जीवाणु क्या होता है दोस्त, तो जीवाणु होता है यूनिसेलुलर। जीवाणु क्या होता है मेरे दोस्त, तो जीवाणु होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है मेरे लाडलो, तो जीवाणु होता है यूनिसेलुलर। अब जब जीवाणु यूनिसेलुलर है तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो जीव देखो तो इसके अंदर अगर क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो जो क्रोमोसोम्स है उनकी संख्या क्या होगी, वन होगी याद रखोगे। अगर वहीं पर विषाणु बोल देता विषाणु, तो विषाणु क्या है दोस्त, तो विषाणु होता है ए सेलुलर अकोशिकीय। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 0 देख पाते, लेकिन यह बैक्टीरिया तो गनीमत है, यहाँ पर आप 1 देख पाओगे। याद रखोगे द आंसर विल बी द यूनिसेलुलर, याद रखोगे सारे के सारे। और देखो अगर जीवाणु के बारे में बात किया तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज एक साहब थे जिनका नाम था द एंटोनी वॉन लेवनहॉक नाम के एक साहब थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, याद रखोगे। निम्नलिखित पादप अंगों में से समानता श्वसन अंग कौन सा है, मतलब पौधों में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है, जरा मुझे बताओ कि पौधों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, जरा मुझे बताओ। प्रमोता दास गुप्ता, काजल, पिंकी, बहुत ही बढ़िया, राहुल, परमोता दास गुप्ता, अप्पू, राहुल, राजकुमार, बढ़िया, मोहम्मद रमीज आलम, ओके, थैंक यू दोस्त कि आप वहां से हमारे पास आए हैं और ये आपकी मोहब्बत है ना, बहुत ही बढ़िया। ममिता उपाध्याय, ममिता मोमोज कैसे हो आप, बढ़िया। अप्पू शर्मा, देखो क्या कहता है कि सर देखो निम्नलिखित पादप अंगों में समानता श्वसन अंग कौन सा है, याद रखो कि जो आपकी लीव्स होती हैं, लीव्स क्या होती है, तो ये सर श्वसन अंग होते हैं। किसी भी प्लांट के, कोई भी प्लांट है, अगर प्लांट का अगर श्वसन अंग के बारे में बात की जाए तो वो लीव्स होगा, जहाँ से वह क्या करेंगे, तो वह CO2 को कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज करने का कार्य करेंगे। और अगर वहीं पर बात की जाए फूलों के बारे में तो याद रखोगे कि फूल क्या होते हैं, तो फूल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो जनन वाले हिस्से होते हैं। और याद रखोगे कि जब भी किसी पौधों के जीवन काल की दृष्टि के बारे में बात की जाएगी तो अगर किसी भी सर क्या कि जीवन काल की दृष्टि के बारे में बात की जाएगी तो वो क्या होगा, वो फूल होगा, याद रखोगे। और जड़ें क्या करती, तो जड़ें क्या करती हैं, तो सर वो फूड को लेती हैं जमीन के अंदर से और क्या, और पूरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करती हैं, बहुत बढ़िया। सर आपके कोर्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल। चलो संतोष, नेक्स्ट आ जाओ गुड़िया, देखो क्या कहता है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा। देखो अगर कोई प्रकाश का रंग है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि नहीं मत जाओ, यही थम जाओ, तुम थमे हो, आज तक थमे हो, जहाज थमोगे, तुम्हें जो करना है वो करते रहोगे, है ना। चलो कि सर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है सर क्या, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, बताओ सर क्या, बाय वेलोसिटी, बाय एम्पलीट्यूड, बाय वेवलेंथ या बाय फ्रीक्वेंसी, बताओ। चलो बताओ सर, बिल्कुल। देखो सर क्या कह रहा है कि सर कलर की प्रकाश का रंग किसके द्वारा, तो एकदम गधा हो चुके हो एन शर्मा, तुम पढ़ना लिखना तो है नहीं, है ना, पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो वेवलेंथ द्वारा, याद रखोगे कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा सर, तो वह रेड हो जाएगी, रेड
तो क्या सर वेवलेंथ ज्यादा होने से कोई चीज रेड होती है, और अगर किसी भी प्रकाश का वेवलेंथ कम है तो वह क्या होगा, तो वह वायलेट होता है, याद रखोगे वह वायलेट रंग का होगा। सो वेवलेंथ ऑलवेज डिटरमाइन द कलर ऑफ व्हाट सर, द कलर ऑफ व्हाट, द कलर ऑफ लाइट, याद रखोगे तरंग दैर्ध्य द्वारा इसको निर्धारित करते हैं, याद रखोगे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एक प्लेन मिरर के बारे में पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर सर क्या होता है, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बताओ सर कि सर क्या एक समतल दर्पण की सर क्या वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो मेरे लाडलो मेरे जिगर के टुकड़ों याद रखना कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। और अगर प्लेन मिरर के बारे में मैं अगर और बात करूं तो देखो जो प्लेन मिरर है अगर इससे जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, तो यहाँ पर इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल, जिसे आप आभासी कहते हो, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल के साथ साथ कैसी बनेगी, तो इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधा सीधा बनने वाली इमेज हमेशा आभासी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखोगे कि यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बनती है लेटरल इनवर्स, कैसी बनती है, तो लेटरल इनवर्स बनती है, याद रखोगे, यानी राइट की इमेज लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट की इमेज राइट दिखेगी, याद रखोगे। यह प्लेन मिरर के बारे में बात होगा अनंत, और प्लेन मिरर में अपनी पूरी पूरी हाइट देखने के लिए मिरर को हाफ हाइट का होना चाहिए। सो द आंसर विल बी क्या सर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, याद रखोगे। बढ़िया दोस्त, बेहतरीन बेहतरीन शानदार, कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण है सर क्या, द रीजन फॉर हियरिंग द इको सर, प्रतिध्वनि क्या होती है, तो याद रखोगे आप सभी को मैंने बताया है कि ध्वनि के परावर्तन के बाद उसकी पुनरावृत्ति। जैसे मान लो कि मैं गया पहाड़ों पर जाकर मैंने बोला कि अरे यो राधा, मैंने एक बार बोला लेकिन वो आवाज बार बार राधा 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 राधा, है ना, तो मेरी राधा की आवाज बार बार वो गूंज रही है। सो याद रखोगे कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या होगा, कि ध्वनि के परावर्तन के बाद उसकी पुनरावृत्ति, याद रखोगे ध्वनि के परावर्तन के बाद उसकी पुनरावृत्ति क्या कही जाती है सर, तो याद रखोगे उसे ही कहते हैं इको। और इको सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वह 17 मीटर होती है, जबकि दो ध्वनियों के बीच का अंतर 1/10 सेकंड होना चाहिए सर किसी भी इको सुनने के लिए। और अगर बात करें सोनार के बारे में, अगर बात करें रडार के बारे में, तो ये भी सर क्या, ये किस प्रकार करते हैं, तो ये ध्वनि तरंग के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। मामिता राधे राधे सर, राधे राधे अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी स्वागत है, बड़े दिनों बाद अनुष्का जी। अरे घर घर रास्ता भूल गए थे क्या, स्वागत है आपका। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है, द प्रेजेंटर ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज गैलीलियो, इज कोपरनिकस, इज न्यूटन और इज कैपलर, बताओ सर कौन है इसमें से, वह साहब कौन है जिन्होंने क्या किया था सर, जिन्होंने सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो जी बराबर m1/m2/r² होगा, जरा मुझे बताओ। रजिता रॉय, न्यूटन न्यूटन पिंकी, गजब गजब धुआं दोस्त, अरे भाई क्या ही जवाब दे रहे हो, क्या ही शानदार है। अनुष्का कुमारी, अप्पू शर्मा, आप परमोहिता दास गुप्ता, अप्पू शर्मा, अभिषेक रंजन, श्रद्धा सुमन, दो श्रद्धा सुमन ही काफी है। ए एन भारती, राहुल राज, गर्दा गर्दा धुआं धुआं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट की जो लॉ है वह न्यूटन द्वारा, द बाबा नेम्स न्यूटन, न्यूटन बाबा जी द्वारा दिया गया था सर। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम याद रखोगे, कैपलर ने क्या दिया था मेरे दोस्त, तो कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, जबकि वहीं पर गैलीलियो ने क्या किया था मेरे लाडलो, तो गैलीलियो ने क्या किया था, हाँ टेलीस्कोप की खोज की थी और साथ ही साथ थर्मामीटर की खोज की थी। और वहीं पर जो कॉपरनिकस है, तो मेरे दोस्त याद रखोगे जो कॉपरनिकस नाम के साहब है, तो कॉपरनिकस ने क्या किया था, तो इन्होंने बताया था कि देखो जो सेंटर है वो सूरज है और बाकी जो ग्रहवा है ना इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसने बताया था, तो ये बताया था कॉपरनिकस ने। और किस तरह से चक्कर लगाते हैं ये बताया था किसने, कैपलर नाम के साहब ने, याद रखोगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड सर। देखो क्या कहता है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल के छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना क्या है, हाय कहते हैं ना कि दिल से क्या नाम है कि क्या कहते हैं कि दिल में भरे हुए प्यार के नीचे दबे धोखे को शीघ्रता से दिल के नीचे क्या नाम है प्यार को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये घटना कौन सी होगी, बड़ी हार मारूंगा।
सर क्लास से होती है ये वाली, क्या बताओ? सर डेट इज इनर्शिया, डेट इज व्हाट सर। देखो फिर एन शर्मा घोंचू ओंचू हो गई हो क्या जी, हैं कि कहते ना कि पढ़ो कदा कहीं का जुड़ के रहते, इंटेलिजेंट रहते, कहाँ जा रही है पढ़ाई तुम्हारी, है ना? तो ये किस नियम को दर्शाएगी? तो यह जड़त्व के गुण को दर्शाएगी। याद रखोगे कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु विराम है तो विराम रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इफ अ बॉडी इज इन मोशन वॉन्ट टू बी इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन वॉन्ट टू बी इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट वॉन्ट टू बी इन रेस्ट अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। आपने देखा होगा कि सर क्या कुछ कुछ सूरवीर बसों की छतों पर बैठकर सवार कर क्या करते हैं, सवारी करते हैं, और आपको पता होगा कि जर देखो जब बस गतिमान है तो ये भी गतिमान है, लेकिन एकाएक क्या होगी, बस रुक जाएगी, बस तो विराम हो गई लेकिन ये विराम में नहीं होंगे, ये गतिमान होंगे और ये बस कहीं से धड़ाम 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 नीचे आ जाएंगे, लोला कुचालेंगे अपना, है ना, कि लोला लटक ही जाएगा, याद रखोगे। और इसे क्या सर, ये भी सर क्या, ये भी जड़त्व का ही एग्जाम्पल है, डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। याद रखोगे कि जड़त्व के गुण को दर्शाती है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ाया जा सकता है, बढ़ता जाता है जैसे जैसे। बताओ सर कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ेगा कैसे 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 बढ़ेगा, जरा मुझे बताओ। हाँ लोलवा लोलवा चुरा लेगा, हम पढ़े नहीं है 4 महीनों से, तुम तो सोए भी नहीं हो 4 महीनों। आ जाओ, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, याद आएगी हमारी तुम्हें भी 12, कि याद आएगी तुम्हें भी हमारी 12 जब तुम्हें हमसा कोई ना मिले। हम तो वो है ना कि हमारी जो कद्र होती है हमारी बात होती है, हम तो वो है। कि समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे, याद रखोगे कि गहराई और खारापन बढ़ता रहता है। देखो आप जितने डेप्थ में जाओगे पानी उतना सर क्या खारा होता जाएगा, याद रखोगे, और जितना खारा होता जाएगा उतना पानी का घनत्व बढ़ता जाएगा, और पानी का घनत्व आपको पता ही है कि 4 डिग्री तापमान पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं किससे दोस्तों, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है जरा मुझे बताओ, कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, जरा 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 मुझे बताओ कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। बढ़िया, वेरी गुड, श्रद्धा सुमन अप्पू ममता रचिदा, बहुत बढ़िया, बेबी कुमारी बहुत बढ़िया, राहुल राज, शिप खरगोश गोट। सर हम आपको सिद्धि त्री पर मिस कर रहे हैं, अरे मिस क्या करना है, हम तो तुम में ही रहते हैं ना दोस्त, हम तो तुम में ही हैं। देखो दोस्त क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, याद रखो जो अंगोरा ऊन है मेरे भाई, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्त, याद रखोगे कि अंगोरा ऊन सर क्या खरगोश से प्राप्त होता है, जबकि अंगोरा प्रजाति किसके, बकरी की, अंगोरा किसकी प्रजाति होती है, तो अंगोरा प्रजाति होती है बकरी की, और जबकि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, को खरगोश से प्राप्त होता है, याद रखोगे। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो डूब जाता है, और यदि यदि पानी काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा, कि जर देखो नॉर्मल पानी में डालोगे तो अंडा क्या होगा, डूब जाएगा, लेकिन पानी में मिला दिए नमक, और पानी में मिला दिए नमक तो अब अंडे के साथ कौन सी प्रक्रिया होगी, अंडे का नया फंडा क्या होगा, जरा मुझे बताओ। वेरी गुड, शानदार, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ क्या होगा, क्या होगा दोस्त, याद रखोगे कि अंडा पानी पर तैरता रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले अंडे का घनत्व तो ज्यादा था, पानी का घनत्व तो कम था। पहले क्या सर, तो देखो पहले क्या था, देखो जो एग था ना, एग का घनत्व तो ज्यादा था और पानी का कम था, जब पानी का कम था तो ये अंडा पानी में आते ही क्या हो गया, अंडा डूब जाएगा, लेकिन अगर वहीं पर अगर पानी में मिला दिया हमने क्या, नमक, पानी में नमक मिला दिया तो सर क्या हो गया, तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, तो इसका घनत्व तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जैसे घनत्व तो बढ़ेगा तो याद रखोगे अब जिसका घनत्व तो कम होगा, अब घनत्व तो किसका कम हो गया, तो अब अंडवा का जो घनत्व तो है याद रखोगे वो कम हो जाएगा, तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा, इस बात को आप याद रखोगे, और इसका एग्जांपल आप डेली करके देखते ही हो सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ कि डायनेमो एक मशीन है जिसका नाम, जिसका काम में
जिसका काम क्या है सर? बताओ, जिसका काम क्या है? कैसे हैं गुरुजी? प्रणाम कटिहार से, और खुश रहो मेरे धन जी। धन जी हो, खुश रहो। अप्पू बेबी ए एन भारती राहुल ममता रास्ता भूल गई थी। देखो क्या कहता है दोस्त, देखो आपसे कह रहा है कि डायनेमो एक मशीन है। देखो डायनेमो कैसा एक मशीन है। अब जब ये मशीन है तो क्या करेगा सर? ये मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। जब मशीन है तो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। अब डायनेमो जब मशीन है मैकेनिकल एनर्जी बनाया तो इससे क्या होगा? तो इससे बन जाएगी, तो ये कन्वर्ट करेगा इसी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल में। याद रखोगे तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का कार्य किसका होता है? तो देखो जो डायनेमो होता है उसका काम होता है, याद रखोगे। नेक्स्ट तो नेक्स्ट कहता है बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है कि यदि किसी वस्तु को गहरी खान से की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाए, उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? अच्छा सवाल है, बताओ सर क्या कह रहा है? अच्छा सवाल है, बताओ कहाँ पे होगा सर? कि क्या कह रहा है कि किसी पृथ्वी किसी वस्तु को ओजा पे बहुत मिस करता नहीं सर जी। एक काहे हो मिस काहे करेगे भाई है? मिस काहे करेगे धन जी? धन जी तू जहां चाहबो ये नु रहम हो है, यत्र तत्र सर्वत्र। हाँ धन जी हो, देखो तो हम लोग चलो एक रिश्ता अलग है। हमारा नहीं पता कि हम आज ले कितना पढ़ले बानी, ककरा के पढ़ले बानी, का पढ़ले बानी, हमारा ये बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ एगो चीज तो हम जान रहे हैं कि जब से हम बिहार के लेकिन के पढ़े नहीं हूँ तो हमारा वो लव वो रिस्पेक्ट वो केयर मिलल जेकर हमारा क्रेविंग रहे, जेकर हमारा तलाश रहे, जेकर हमारा खोज रहे। और हम धन्य, हम खुद धन्य अपने आप को फील करें नहीं कि हमारा लगे रहो कि तहन लोकेशन लिखा बैठे, तहन लोकेशन स्टूडेंट बाजे कि एगो वैल्यू एगो मोरल समझे ला कि एगो टीचर के वैल्यू कहा। तो धन जी हो, लव यू टू। ए धन जी हो, एक ही बात कहल कहता नहीं और हमेशा को हम देखो अगर तहार प्यार हमारे खातिर के बदल लो तो धन जी हमारो नाम विवेक सिंह, हमारो प्यार तहार खातिर कबू ना बदले। लव यू टू हमार धन, लव यू टू हमार परेज। देखो कि यदि किसी वस्तु की गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी तल पर होगा, याद रखोगे। जब वो पृथ्वी तल पर होगा तो उसका भार क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखोगे सर क्या? याद रखोगे सर क्या? तो वह सबसे ज्यादा हो जाएगा, देखा जाएगा, याद रखोगे ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ कि परिदर्शी यंत्र का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द पेरिस्कोप? देखो जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप का प्रयोग क्या होता है बताओ? ए धन हम बलिया से बनी हो, धन जी हो बलिया से। असिंग लाइक वाइक नहीं होते, दम लाइक एकदम गिर गोल लाइक बताओ हो, एकदम लाइक करते नहीं खसे यानी के भर्ती नएगा भर्ती आ गए लोटे मद निषेध के गर्दा काट देबे बाप की हाली है करेज। आ जाओ साइड में सर ऑप्शन लिखे दिखा लो हो धन, कितना कितना साइड हो गया बताओ। देखो याद रखोगे कि सर क्या? देखो जो जो आपका पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप क्या है मेरे धन? याद रखोगे पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसके लिए करते हैं? तो याद रखोगे जिसका यूज सर क्या सबमरीन्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो देखो जितने भी सबमरीन्स है ना, जितने भी सबमरीन्स है तो सबमरीन्स में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। और पेरिस्कोप किस पे कार्य करता है? तो याद रखोगे यह रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त याद रखोगे यह आपका रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। याद रखोगे या क्या? तो यह रिफ्लेक्शन पे कार्य करने का कार्य करेगा कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण गति नहीं करते वह कौन सी है? कि कणों की अवास्तविक गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण इसमें से किस विधि द्वारा होगा बताओ? कि कणों की अवास्तविक गति से क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कि कणों की अवास्तविक गति से ऊष्मा का स्थानांतरण। याद रखोगे कि कणों की अवास्तविक गति से देखो जो ऊष्मा का स्थानांतरण है सर क्या, वह कौन सी विधि कहा जाएगा जरा मुझे बताओ? बढ़िया, वेरी गुड, बताओ बताओ सर कि कणों की अवास्तविक गति से, वेरी गुड। देखो सर क्या कह रहा है कि देखो जो कणों की अवास्तविक गति से ऊष्मा का स्थानांतरण यह कौन सी विधि होती है? होती है चालन विधि। चालन विधि जो ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे कैसी विधि है? तो यह ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे धीमी विधियों में से
एक विधि है जिसे कहते हैं चालन, याद रखोगे। जबकि ऊष्मा स्थानांतरण में जब कणों की वास्तविक गति से होगी वो कौन सी कही जाएगी, वो कन्वेक्शन कही जाएगी। और ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज विधि कौन सी है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज विधि है रेडिएशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है कि सितंबर के महीने में, हाय सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत किलोवाट कितना खर्चा हुआ। क्या कह रहा है सर कि महीना है सितंबर का, मतलब डेट कितना दिन होगा सितंबर में, तो सितंबर में होता है 30 दिन, सबसे जरूरी यहीं पे हो गया 30 दिन। 30 दिन क्या, 100 वाट के, 100 वाट का कितना बल्ब, एक बल्ब कितना घंटा, 10 घंटा डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा 29 का। बताओ ब्रेकअप के बाद सर भोजपुरी, हाँ क्योंकि रो रहे थे, कौन रो रहा था बे, बड़ी मार मारूंगा, बड़ी मार मारूंगा बड़ी मार मारूंगा अनुष्का, बड़ी मार, दैट इज व्हाट, दैट इज 30 किलोवाट, याद रखोगे दैट इज 30 किलोवाट आर, 30 किलोवाट आर होगा। देखो ना, एक सुन्ना से बचा 30, तो 30 ही ना आंसर आएगा। कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होगा, बताओ सर कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से, सर क्या वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो क्या होगा, बताओ जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो क्या होगा, बताओ बताओ कि सर क्या होगा। तो याद रखोगे कि सर देखो, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करेगी, याद रखोगे उसके वेलोसिटी में हमेशा चेंजेस आएगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी सर क्या, याद रखोगे उसका वेग क्या होगा, परिवर्तनीय होगा, इट्स वेलोसिटी इज चेंजेबल, इसकी जो वेलोसिटी होगी हर एक पॉइंट पर, हर एक मोड पर क्या होगी, तो चेंज होती रहेगी, याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि सर क्या आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। सर देखो, एक और आसान सवाल आया आप सभी के बीच, दूसरों के लिए कठिन पर तुम्हारे लिए आसान, क्योंकि एक ट्रिक बताइए कि किसी यदि किसी प्रश्न में क्या कहा जाए, यदि किसी प्रश्न में क्या कहा जाए, तो यदि किसी प्रश्न में किसी प्राकृतिक वस्तु के रंग के बदलने की बात की जाए, कि यदि किसी सर क्या प्रश्न में किसी वस्तु के रंग के बदलने की बात की जाए, तो वह घटना कौन सी होगी, तो वह घटना सदैव सदैव प्रकरण की होगी, याद रखोगे। सर क्या होगा, सर क्या वह घटना किसकी होगी, प्रकरण की होगी, याद रखोगे कौन सी होगी, स्कैटरिंग। रिफ्रैक्शन, आपको पता है कि अगर कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से बदली हुई प्रतीत हो रही है तो वह रिफ्रैक्शन हो जाएगा, याद रखोगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो 3D होलोग्राम के रंगों का दिखाई देना, वह क्या कहा जाएगा, मेरे लाडलो का कहा जाएगा जी, तो वह कहा जाएगा डिफ्रैक्शन, याद रखोगे, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप, When water boils at temperature, क्या होगा सर, याद रखो जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होगा, बताओ ना जरा बताओ। किस सुना है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो शायरी नहीं कर पाता, सुना है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है उसे शायरी नहीं आती, अभी तो सरासर तोहीन हो गई तुम्हारे खूबसूरती की, अभी ये तो सरासर तोहीन हो गई तुम्हारे खूबसूरती की, है ना, बताओ क्या रहेगा सर। तो याद रखोगे इट रिमेंस द सेम, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखोगे, क्योंकि पानी उबलने के बाद वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, और गैसेस स्टेट में जाते ही उसमें क्या लैटेंट हीट आ जाएगी, और जब लैटेंट हीट आ जाएगी तो भाई क्या, तो भैया वो तो छिप गई ऊष्मा, तो टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सर उसको आपकी सारी क्लास कर लेनी चाहिए, हे धन धन, ये कुछ चीजें होती हैं जो सर क्या, जो किसी की कॉपी नहीं हो सकती, कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक क्या होगा, कि माना कि तुम हमारे शब्दों को चुरा लोगे, कि मान लिया कि तुम हमारे शब्दों को चुरा लोगे, कि मान लिया कि तुम हमसे सर क्या शब्दों को गढ़ना सीख जाओगे, पर वो जो लहजा है, वो जो तरीका है, खम्बत रकीब, वो कहां से लाओगे, है ना, कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक क्या है सर। तो याद रखोगे जल का वाष्प में परिवर्तन होना यह एक भौतिक परिवर्तन है मेरे दोस्तों, याद रखोगे इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि जल अगर वाष्प में चेंज हो रहा है, यदि जल अगर वाष्प में चेंज हो रहा है तो याद रखोगे ये वाष्प दोबारा जल में भी परिवर्तित हो जाएगा, याद रखोगे, है ना, ये जो वाष्प है वो दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, तो जल में चेंज हो जाएगा, याद रखोगे, है ना, बढ़िया। अरे वो एक शेर था ना जो मैंने उस दिन कहा था,
मेरा पर्सनल फेवरेट है कौन सा, कि जो अपना हिस्सा भी गैरों में बांट देता था, कि जो अपना हिस्सा भी गैरों में बांट देता था, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम, कि जो अपना हिस्सा भी गैरों में बांट देता था, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम, बात आप में भी ऐसी क्या रखी है कि इस दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है, और कहीं इत्तफाकन मिल जाए तो कह देना उससे, कि अगर कहीं इत्तफाकन मिल जाए तो कह देना उससे कि तेरे शायर ने पूरे शहर में धूम मचा रखी है, पूरे शहर में धूम मचा रखी है एज अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आशा, कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको कई बार कराया है कि देखो जो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस इज फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन एयर, बताओ वेयर इज योर स्टूडियो लोकेटेड। याद रखोगे इट विल बी लोकेटेड इन मुंबई, मुंबई खारघर है ना, आई एम करंटली इन मुंबई। अब पूरे बिहार में धूम मचेगा सर, आज जिए राजा सब धन खा जाए, लेकिन रहो तू आखी के सोचा है ना कि सर क्या, सर निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, डेट इज आर्गन। देखो जो आर्गन है यह एक ऐसी अक्रिय गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो हीलियम है ये क्या है दोस्तों, यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है। याद रखोगे जो नियॉन है इसका प्रयोग किसमें होता है, तो इसका प्रयोग प्रदीप्ति लैंपों में होता है। और जो क्रिप्टन है याद रखोगे तो क्रिप्टन क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं सीक्रेट गैस। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सीक्रेट गैस। और ट्रिक क्या होती है सर, ट्रिक जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनकी क्या है, तो हीना नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन, हीना नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन याद रखोगे, कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए और कहिए ना सर क्या कहता है, कहिए ना सर क्या कहता है, बताइए ना, बताइए ना क्या कहता है, बताइए। बढ़िया, प्रीति सिंह राजपूत स्वागत है प्रीति जी आपका, श्रद्धा सुमन, अप्पू शर्मा, रचदा रॉय, गुड़िया बिटिया लाडली। सो आओ देखो सर इसका आंसर बताते हैं क्या सर। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ बेकिंग सोडा। सर देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट्स अ काइंड ऑफ चाक। पोटास क्या है सर, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 H2O, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। ये क्या है दोस्तों, ये होता है, ये CaOCl2 होता है, ये NaHCO3 होता है, ये CaCO3 होता है, और ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O ये होता है। तो आंसर के पहले का दूसरा किसमें है, इसमें है, और यही आपका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन नंबर बी, याद रखोगे ठीक है। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होती है, कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होती है, जरा मुझे बताओ, बताओ सर किसकी उपस्थिति कारण होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ही होगा क्या ही होगा क्या ही होगा, बताओ बताओ जोरे चलो आ जाओ बताओ क्या कहता है सर, कि जल की स्थायी कठोरता कैसे होती है। सर याद रखोगे कि जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और आयन होते हैं, तो याद रखोगे तो वहां से आप जल की स्थायी कठोरता को देख पाओगे, दैट विल बी द आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन धातु अलौह धातु है, एज नॉन फेरस, नॉन फेरस तो सर इसमें से नॉन फेरस कौन सा है, ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन से आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। कहते हो ना क्या सर कि साइंस टीचर विनीता कुमारी, नहीं विनीता कुमारी मैडम फेबी कोल का जोड़ है, नहीं छूटेगा जनाब। तो क्या है भैया, आयरन, फिर क्या है कोबाल्ट और निकल, ये तीनों पास पास है, तो दूर कौन जाएगा, अल्मोनियम हो जाएगा ना दूर, कौन जाएगा दोस्त, तो अल्मोनियम जाएगा ना दूर, और जब अल्मोनियम दूर जाएगा तो अल्मोनियम इज अ नॉन फेरस मेटल हो जाएगा, इस बात को आप याद रखोगे है ना, कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल का जोड़ है, नहीं है ना छूटेगा जनाब, है ना। या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि सुनो तुम ब्याह कर लो मेरे से, सुनो तुम ब्याह कर लो मेरे से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना, पर तुम्हें तो कोई और ही किसी और से ही करना था, है ना।
निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? Which of the following is not a noble gas? बताओ ना मेरे दोस्त, किसमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? साइंस टीचर विवेक सिंह ऑलवेज माई ट्रिक. अच्छा जी हो, अच्छा जी हो. देखो, निम्नलिखित में से कौन से उत्कृष्ट गैस नहीं है? याद रखोगे कि सर क्या, निम्नलिखित में से कौन से उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो याद रखो जो कि ब्रोमीन है. ब्रोमीन क्या सर? ब्रोमीन इज अ काइंड ऑफ नॉन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते क्या कहते हैं ब्रोमीन? ब्रोमीन सर क्या, एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये क्या सर, ये रेड कलर का होता है, याद रखोगे. तो ब्रोमीन नहीं है. और कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं? हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना? बोलो. ब्रोमीन इज अ हैलोजन, बिल्कुल हैलोजन, नॉन मेटल हैलोजन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है बताओ, बताओ. रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है बताओ? ममता, मोमो, प्रोटीन. एंजाइम रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है दोस्त? तो एंजाइम इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. देखो याद रखोगे, जब भी एंजाइम होगा ना दोस्त, देखो जब भी एंजाइम होगा तो एंजाइम के अंत में होता है एस, एस. और अगर शुगर है तो शुगर के एंड में होगा ओस, ओस. जैसे लैक्टेज इज अ एंजाइम और लैक्टोज इज अ शुगर. माल्टेज इज अ एंजाइम, माल्टोज इज अ शुगर. और अगर वहीं पे बात कर ली जाए सर क्या कि सुक्रोज, सुक्रोज इज अ क्या सर, शुगर. सुक्रेज इज अ एंजाइम और लाइपेज ही होता है. ठीक है, याद रखोगे एंजाइम और शुगर में यही अंतर है कि एस है तो एंजाइम है, ओज है तो क्या, शुगर वाला है. यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए और वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? यह भी कोई सवाल है. ए लोल, लोल हो, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ. C6H12O6 हेक्सोस, जो कि ग्लूकोज होता है. बिल्कुल जिया, जिया हो, बढ़िया, वेरी गुड, शानदार. ऑक्सीजन द टू 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 टू. सर आपका क्लास कब से होता है? हमारी क्लास पहले कहाँ होती थी? रात 10 बजे होती थी, तो अभी भी वहीं पे होती है. याद रखोगे कि हमारी क्लास कब से होती है? हमारी क्लास रोज रात्रि 10 बजे होती है. दोस्तों 10 उम्र ही काफी है, ये भी कह रही है ऑप्शन नंबर 2. याद रखोगे क्या कह रहा है दोस्तों, याद रखोगे कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, याद रखोगे. ठीक है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड. नेक्स्ट कि हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर जिस हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, उस हेडफोन को क्या कहा जाता है? याद रखोगे कि हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर जिस हेडफोन का प्रयोग करते हैं, उस हेडफोन को क्या कहते हैं, बताओ बताओ. और हाँ, SSC GD क्या रिजल्ट आ गया है? तुमने भी जो दिया था ना, और पढ़े पढ़ते कहा थे, तो पढ़ लो, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो. और देखो हमारा क्या है, हम कभी नहीं मरने वाले, क्योंकि हम तो YouTube पे है ना, हम कभी नहीं मर सकते. तुम हमें जब भी ढूंढना चाहोगे मिल जाएंगे. आ जाओ, हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंग का उपयोग करते हैं? दैट इज स्टेथोस्कोप, दैट इज स्टेथोस्कोप. याद रखो डॉक्टरों का हेडफोन. क्या सर? देखो जो डॉक्टरों का हेडफोन होता है, क्या लिख रहा हूं मैं सर, क्या स्टेथोस्कोप, ये क्या करता है सर? तो याद रखोगे इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है. इट वर्क्स ऑन व्हाट सर? इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, याद रखोगे. ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट आ जाओ कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? बताओ सर, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? कब्बे का बताया, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा. कब्बे का बताया है सर, क्या, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा. और तुम सब ना एक बात पर ध्यान देना, देखो हाँ सर, याद रखोगे सर क्या, कि देखो जो टेक्स्ट बुक का पास है,
जो टेस्ट बुक का पास है, ये सभी के सभी एग्जाम्स के लिए क्या सर आपके लिए क्या होगा, सर आपके लिए वैलिड हो जाएगा। तो देखो आज इस पर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, तो देखो क्या है इस पास की खासियत। देखो भाई जो आप सभी के पास वैसे ये पास होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और जिसके पास नहीं है आप इस पास को ले सकते हो। खास बात क्या है, वन पास टू ऑल इस एग्जाम्स। याद रखोगे कि 45,000 से अधिक मॉक टेस्ट जो 450 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर करेगा। तो मैं मॉक टेस्ट चाहिए तो ये सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो देखो सबसे सस्ती फीस में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, उसके बाद 25,000 क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,52,00,000 45,283 से ज्यादा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। और याद रखोगे कि आपको इंडिया में अभी तक 13,00,000 से ऊपर सर एक्टिव टेस्ट पास यूजर से और 7,000 से ज्यादा यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आप आज ही जाओ, टेस्ट बुक का पास एक क्या सर एक रिवॉल्यूशनरी है। आप जाकर अनलॉक फॉर ऑल एग्जाम 580 एग्जाम्स को आप क्या सर आप यहां पे कवर कर सकते हो टेस्ट पास के थ्रू, जो टेस्ट बुक का पास है। तो आपको क्या यूज कोड VVK पास, देखो VVK पास से आप क्या सर आप इसको इस्तेमाल करके आप 20% का ऑफ ले सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास जिनके पास नहीं है आज जाकर सर क्या इस पास को आप परचेज कर सकते हो। तो आपका कोड होगा VVK पास और पास में आप सर क्या पास हो सकते हो। तो चलो आज के सेशन को यहीं पे रोकता हूं मैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बेहतर हो गए अपने घरों में और अपने माँ बाप की खूब सेवा करोगे। और कहते हैं ना दोस्त कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा और लिख दे अपने पसीने से अपने कामयाबी की कहानी, और लिख दे अपने पसीने से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को ससुरी है दम तो अब मिटा कर, अब मिटा कर चला हमरे हिस्से का है छीन के लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं ससुरा तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।